नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडियन न्यूज में। लेकर आ चुके हैं सागर राणा की मौत के अपडेट, एक और निकल कर आया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर तमाम जानकारी देने वाले हैं। सुशील कुमार के खिलाफ पिटाई करते गए वीडियो की जांच में पुष्टि, आज क्या हुई पुष्टि उसके बारे में आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों, कुख्यात बदमाश काला जकड़ी गैंग भी सुशील कुमार को अब ढूंढ रही है और एक कॉल करके जान से मारने की धमकी भी दे दी गई। दोस्तों, तमाम अपडेट इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और आपको हर एक अपडेट से सबसे आगे के लिए हम इस वीडियो पे तमाम वीडियो की अपडेट डालते रहते हैं। और आप भी सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, खबर की शुरुआत से बात की जाए तो दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में झगड़े के दौरान पहलवान सागर राणा का मर्डर हो गया था। फरार ओलंपिक पहलवान पदक विजेता सुशील कुमार के बारे में नया खुलासा हुआ है कि फोरेंसिक साइंस लैब ने अपने रिपोर्ट में मोबाइल की उस वीडियो की फुटेज की सही ठहराया है जिसमें सुशील अपने साथियों के साथ सागर की पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है। आरोप है कि 4 मई की रात सुशील एवं उसके साथियों के 23 साल के सागर राणा की हत्या कर दी गई और 4 लोगों की अपहरण कर छत्रसाल स्टेडियम में जमकर पिटाई की गई है। हमलावरों में से एक प्रिंस दलाल ने इस घटना का वीडियो बना लिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तभी भाग निकले लेकिन प्रिंस पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास एक मोबाइल मिला जिसके अंदर कुछ वीडियो मिले जिसके सुशील कुमार अपने साथियों के साथ पिटाई करते हुए दिखाई दे रही है। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने बताया गया है कि घटना वाले दिन बनाया गया वीडियो प्रमाणिक है और इसके दिख साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस बीच गुरुवार को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई है जिसके सुशील कुमार सफेद कार में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया है कि ये फुटेज 6 मई की है जिसमे उसके कार मेरठ टोल से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। इसके सुशील कुमार मास्क लगाए हुए ड्राइविंग के बगल में बैठा हुआ। सुशील कुमार 5 मई को हरिद्वार चला गया था, वह वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो गया था। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की सूचना देने पर 1,00,000 रुपए का नगद इनाम भी सोमवार को घोषित कर दिया गया था एवं पुष्टि। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा था कि मामले में फरार चल रहे कुमार के साथी अजय और के ऊपर भी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पिछले सप्ताह दिल्ली के एक अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम के विवाद मामले में सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके साथ ही कुछ पहले मामले में सुशील कुमार के खिलाफ लॉट आउट नोटिस भी जारी किया गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों के बयान पहले दर्ज कर लिए गए थे। ये झगड़े दिल्ली में मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर हुआ था। इस दौरान पहले पुलिस अधिकारी ने बताया है कि सुशील कुमार का नाम एफआईआर में दर्ज है और वे फरार हैं। उस पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुशील कुमार को पकड़ने के लिए दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्य में छापेमारी चल रही है। पुलिस के मुताबिक इस विवाद के सुशील कुमार, अजय, प्रिंस दलाल, सोनू सागर, अमित और अन्य लोगों को शामिल थे लेकिन पुलिस ने संबंधित इस भारतीय दंड संहिता और अमस्त एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस हरियाणा के इजार रहने वाले प्रिंस दलाल चोइस को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। दोस्तों, सुशील कुमार से संबंधित आगे की जानकारी जानना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ऐसे में हम कोई वीडियो लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो मिल जाएगी।